हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ईशा नाम है चुटन विद ट्रेवल रीट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम छोटे व्यंजनों की सब्जी और बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं। और भरते बना रही हूँ मैं व्यंजन और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये व्यंजन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर जाकर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। तो चलिए इस वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बैंगन लिया है, छोटे बैंगन, उसको मैंने धो लिया हुआ है। जो डंडी होती है वो मैंने उतारी नहीं है। और सबसे पहले हम चर्चा तैयार कर लेंगे। जो टमाटर लिए हैं 3 प्याज ले लेने हैं, और 3 हरी मिर्च मैंने ली है, और 1-3 अदरक और 1-3 लहसुन की डंडी ले लेनी है। फिर हम बैंजन में टट लगा लेंगे, जो टट लगाएंगे। और डंडी तो नहीं हमने उतारना है। टट लगाने से जो हम मसाला भरेंगे वो अच्छे से भरा जाएगा और पच भी अच्छी तरह से जाएंगे। फिर हम बेसन लेंगे, 3 चम्मच बेसन ले लेने हैं, उसे हम भून लेंगे। लो फ्लेम पर हमने भूनना है बेसन को। बेसन डालने से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी, खाने में बहुत बढ़िया स्वाद आता है ये सब्जी का। अब हमारा बेसन भुनचा तैयार है। फिर हम फ्राई पैन में सरसों का तेल डालेंगे। तेल तो अच्छी तरह से गर्म हो लेने देंगे। जब धुआं निकलेगा फिर हम इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज मैंने बारीक बारीक काटा है। मीडियम फ्लेम पर ऐसा हमने चढ़ते तो भून लेना है। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर हमने हिलाते रहना है। फिर 2-3 मिनट बाद हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो हमने मैश की हुई है वो डाल लेंगे। फिर हम इसे मिला लेंगे, इसे भी अच्छी तरह से पकने देंगे। फिर 3 मिनट बाद हम टमाटर डाल लेंगे। टमाटर मैंने बारीक बारीक काटा है। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम अच्छी तरह से चढ़ते तो भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पर असर हम चढ़ते तो भूने दें। जब चढ़ता भून जाएगा फिर हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक हमने अपने हिसाब से डालना है, स्वाद के हिसाब से। मैंने 1/2 चम्मच डाला है। फिर 1/2 चम्मच से 1/16 चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें मसाला डाल लेंगे 1/2 चम्मच। थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे 1 चम्मच। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर डालने से सब्जी का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्वाद आता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है ये सब्जी, चटपटी बन जाती है ये सब्जी। आधा चम्मच मैंने डाला है आमचूर पाउडर। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से 2-3 मिनट हम इसे पचाएंगे। फिर हम इसमें बेसन डालेंगे भुना हुआ। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। मसाले में मिक्स कर लेंगे बेसन को। बेसन डालने से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है सब्जी का। आप भुनी हुई मूंगफली भी आप डाल सकते हैं।
फिर हम इसमें धनिया डाल लेंगे, नीचे उतार लेंगे मसाले तो, और उसमें धनिया डाल लेंगे, फिर उसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम बैंगनों में मसाला भर लेंगे जो हमने चट लगाए हुए हैं, फिर अच्छी तरह से मसाला भर लेंगे। जैसे आराम से मसाला भरा जा रहा है, इसी तरह हमने सारे बैंगनों में मसाला डाल लेना है। मसाला भर कर हमने रख लेना बैंगनों को। अच्छी तरह से मसाला डाल लेना है। फिर हम कढ़ाई रख लेंगे और उसमें सरसों का तेल डालेंगे, तेल गर्म होने के लिए रख लेंगे। इसी तरह हमने सारे बैंगनों में मसाला भर लिया हुआ है और अब बेचे आ रहे हैं पकने के लिए। और थोड़ा सा मसाला हमारा बच भी गया है, हम इसे चढ़ते में डाल लेंगे, सब्जी में हम डाल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा फिर हम एक एक चढ़ते बैंगन डाल लेंगे। इसी तरह हमने सारे बैंगन डाल लेने हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है ये सब्जी, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। और बहुत ही आसान रेसिपी है इसे बनाने की। मैंने थोड़े से प्याज भी भरे हैं और जो मसाला हमारा बच गया था वो मैंने इसमें डाल लिया है सब्जी में। फिर हम आधा गिलास पानी डालेंगे जिसमें हमने मसाला मिक्स किया था। फिर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब पानी हम सब्जी में डाल लेंगे। और अब हम प्लेट दे देंगे, 15-20 मिनट लगेंगे सब्जी बनने में। लो फ्लेम पर ऐसा हमने बनानी है सब्जी। फिर हम 3-4 मिनट बाद हम देख लेंगे, 5-6 मिनट बाद हम देख लेंगे सब्जी जो। जब एक साइड से पच जाएंगे फिर हम इसे दूसरी साइड पलट लेंगे। इसी तरह हमने सारे बैंगनों को पलट लेना है। फिर हम प्लेट से ढक लेंगे। बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे सब्जी तो, साथ ही हमारा मसाला नीचे ना लग जाए। फिर हम हिला लेंगे। इसी तरह हमने सारे बैंगनों को हिला लेना है। फिर हमने चम्मच से देख लेना है, दबाकर बैंगन अच्छी तरह से चट रहा है और अभी थोड़ी बहुत चसर है पटने में, अभी अच्छी तरह से पचा नहीं है बैंगन। फिर हम अच्छी तरह से पटने देंगे बैंगनों को। फिर हम प्लेट से ढक लेंगे। 15-20 मिनट बाद हम देख लेंगे, और लगभग 15-20 मिनट हो रहे हैं और अब हम देख लेंगे सब्जी तो। हमारी सब्जी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं बैंगन का रंग बहुत ही बढ़िया आया है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रही है ये सब्जी और बहुत ही आसान रेसिपी है। फिर हम प्लेट से ढक लेंगे, गैस बंद कर लेंगे। इसी रेसिपी से सब्जी बनाई जाए सही रेट में हमें जरूर बताइए। रेसिपी बनी है मिलती है एट और नहीं इसी वीडियो में। चल चल बाय।